फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो डिस्कस कर लिया चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं अब उसमें क्या होगा अब उसमें हम देखेंगे कि मेटल किसी और के साथ कैसे रिएक्ट करता है राइट right? क्या बनाता है जैसे ऑक्सीजन ले लो वाटर ले लो राइट लेट्स सी वॉट रिएक्शन्स आर वी गोइंग टू डिस्कस इन रेफरेंस टू दी मेटल्स सो बेसिकली फोर वी आर गोइंग टू डिस्कस सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है कौन सी प्रोडक्ट मिलती है हमें उसके बाद है वाटर वाटर के साथ अगर मिक्स करो तो क्या मिलेगा आपको राइट right? उसके बाद है एसिड एसिड के कैसे एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है एंड फाइनली लास्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स आपके पास एक मेटल है और दूसरे मेटल का एक सॉल्ट है तो उन दोनों के बीच क्या रिएक्ट होता है राइट दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन सो so, अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है बट जनरली क्या प्रोड्यूस होगा मेटल और ऑक्सीजन के बीच मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा याद रखो मेटल ऑक्साइड मेटल एंड ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड वेरी सिंपल अब आपको ये प्रोडक्ट कैसे मिलती है दैट डिपेंड्स ऑन दी मेटल राइट सो लेट्स डिस्कस द रिएक्शन सबसे पहले मैग्नेशियम के रिएक्शन देखते हैं मैग्नेशियम एंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव यू और गिव यू वॉट मेटल ऑक्साइड तो मैग्नेशियम ऑक्साइड आएगा वेरी सिंपल ले लो मैग्नेशियम और यहाँ ऑक्सीजन ले लो तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड वी हैव दी मेटल एज मैगनेशियम राइट तो मेटल ऑक्साइड की जगह मिलेगा मैग्नेशियम ऑक्साइड सिंपल दूसरी रिएक्शन देखते हैं कॉपर के साथ राइट सो कॉपर एंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव यू वॉट कॉपर टू ऑक्साइड वेरी सिंपल अब इसमें मैग्नेशियम एंड कॉपर दोनों में वी नीड टू सप्लाई दी हीट राइट ऐसे ही नहीं होगा कि ऑक्सीजन आई मीन आपने ओपन में रखा है इसे तो वो जल जाएगा यार और मे बी रिएक्ट करेगा यू नीड टू गिव द हीट इन दिस केस नाउ लेट्स डिस्कस देर आर टू डिफरेंट मैटर्स दे डोंट रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन एट ऑल दैट इज दिस सिल्वर सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन ही नहीं होती राइट दे आर नॉट मच रिएक्टिव सेम फॉर दी गोल्ड गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है राइट दे डोंट रिएक्ट पहले हमने क्या देखा था मैग्नेशियम एंड कॉपर वो रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ये तो रिएक्ट ही नहीं करते विच आर दी मेटल्स सिल्वर एंड गोल्ड लेट्स सी टू मोर मेटल्स जो बहुत डेंजरसली रिएक्ट करते हैं और वेरी विगरसली दैट इज सोडियम एंड ऑक्सीजन एंड पोटेशियम एंड द ऑक्सीजन ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिला के थोड़े विगरसली रिएक्ट करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं थोड़ी फायर जैसा भी होता है राइट फ्लेम फ्लेम भी दिखेगी आपको राइट right? सो so, पहले जो दो मेटल थे वो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं बाकी के दो मेटल जो हमने देखे सिल्वर एंड गोल्ड वो तो रिएक्ट ही नहीं करते और ये दोनों तो लाइक दे आर रेडी दे बर्न इवन राइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा आपने फ्लेम दे दिया तो राइट सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव क्रिएटेड वन रिएक्टिविटी सीरीज मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब काफ़ी हमने मेटल देखे काफ़ी क्या करते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं काफ़ी रिएक्ट ही नहीं करते काफ़ी नॉर्मली रिएक्ट करते हैं तो उसके बेस पे रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाइए रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा उसे पहले रखो जो सबसे कम रिएक्ट करेगा उसे लास्ट में रखो एक ऑर्डर बना दो उसका राइट तो आपको आइडिया कि हाँ ये धीरे धीरे इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है या फिर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करता है

आफ्टर वर्ड्स इट इज आयन राइट अब आयन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि ब्लॉक होगा या फिर बहुत बड़ी रॉड होगी तो वो जलेगा नहीं तुरंत बट उसकी बहुत छोटी छोटी फाइलिंग्स होगी वो जल जाएगी उसकी राइट सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बर्न इन द लाइक अगर आपके पास बहुत बड़ा ब्लॉक हो आयन का अब जितनी भी हीट आप दे दो वो नहीं जलेगा राइट बट छोटी छोटी फाइलिंग ले लो तो वो जलेगा नेक्स्ट इज अबाउट दी वॉट कॉपर कॉपर का हमने देखा कॉपर डज नॉट बर्न बट वो मेटल के ऊपर एक काली सी परत आ जाएगी वो होगी क्या कॉपर ऑक्साइड एंड फाइनली द लास्ट गैस वॉट दैट इज ए जी और ए यू सिल्वर और गोल्ड दे डोंट रिएक्ट ओनली राइट सो दिस इज वॉट रिएक्टिविटी सीरीज इज अगर आप यहाँ से जाओगे लेफ्ट टू राइट तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है अगर आप यहाँ से आगे जा रहे हो मतलब उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज अब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी मेटल और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करते हैं राइट right? ये उसके बेस पे थी सोडियम सबसे ज्यादा देन मैग्नेशियम ऑलमोस्ट रिमेंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट दिस इज द मेन ऑर्डर राइट एफ ई देन सी यू एंड फाइनली सिल्वर, सो दिस इज हाउ मेटल्स आर रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन नाउ लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ द मेटलिक ऑक्साइड्स